श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। जीवन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मुंबई में आयोजित करणी सेना का क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे मुख्य अतिथि शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, योगेंद्र सिंह कटार, नरेंद्र मेहता, समाज सेवी खेत सिंह मेड़तिया, रघुनाथ सिंह सराना, महेंद्र सिंह कुंपावत, चैल सिंह भेसाना, गिरीश परदेशी, आनंद सिंह खोके, दशरथ सिंह टंका। संबोधन में शीला गोगामेड़ी ने कहा, हम सब एक है और समाज को जब भी जरूरत पड़े सब एक साथ रहने का संदेश भी दिया। योगेंद्र सिंह कटार ने संबोधन में कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने समाज के लिए अपना बलिदान दिया, इस समय समाज को उनके परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। नरेंद्र मेहता ने भी आभार प्रकट किया और विजेता उप विजेता टीम को भी बधाई दी। और भामाशाह और समाज सेवी केत सिंह मेड़तिया ने संबोधन में कहा, मैं हमेशा करणी सेना के साथ तन मन और धन से रहूंगा। और भी कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। खेल देखो, खेल तो खेल की भावना से खेला जाता है। यहाँ एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है, लेकिन हारने वाली टीम को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए। उन्हें आगे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आगे फिर से अच्छा अपना कर सके और आगे जीत के लिए अग्रसर हो सके। जी, पहले तो मुंबई में आई हैं, मुंबई में बहुत सारा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पहले मेरे पति आते थे तो दूसरे टाइम मैं मुंबई में आई हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टर हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आगे बढ़ने में मेरी सहायता करते हैं। वैसे तो करणी सेना ने हमेशा से सभी सर्व समाज को लेकर के चली है और जितनी भी अन्याय की बातें आती हैं, कोई भी दुर्घटना होती है तो करणी सेना सबसे पहले वहाँ पहुँचती है और न्याय की बातें करती है और हमेशा ही न्याय के लिए आगे खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी। इनमें कुछ न कुछ तो राजनेताओं का हाथ था और जो जल्द से जल्द अगर NIA सही से जांच होगी तो राजनेताओं का नाम आना तो पक्का है और वो आएगा। अगर जो मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या होगा? सर, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमने सरकार को पहले ही बोल दिया, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो 3 तारीख को हमारा फिर से उग्र आंदोलन होगा और जो पैदल न्याय यात्रा हमने स्थगित की है, बंद नहीं की है, जो चूरू से स्थगित की है वो चूरू से स्टार्ट हम दोबारा करेंगे। शीला जी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मुंबई में हर बार जीवन जी यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम करवाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं जितने राजपूत समाज के लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहिए उनके बारे में? नहीं, ये तो देखिए इनका बड़प्पन है कि सर्व समाज को साथ लेकर के ये चल रहे हैं और हमें तो एक राजपूत क्या, हमें तो सर्व समाज ही चाहिए। और जैसे इन भाइयों को इकट्ठा करते हैं, ये तो बढ़िया मैसेज जाता है ना कि भाई सर्व समाज को क्षत्रिय साथ लेकर के चल रहा है, क्योंकि हमारा तो इतिहास ही है, क्षत्रियों का इतिहास ही है कि वो सर्व समाज को लेकर के हमेशा चला है। और जितनी भी अन्याय अत्याचार हमारे जो अदर कास्ट पे होता है, सर्व समाज पे होता है, तो क्षत्रिय सबसे पहले वहाँ खड़ा होता है। तो क्षत्रियों ने कभी भी किसी समाज को पीछे नहीं छोड़ा, इसीलिए जो जीवन सा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है, इसके लिए हर समाज के बंदे इनके साथ जुड़े हैं। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे श्री राष्ट्रीय करणी सेना मुंबई द्वारा जो है आयोजित किया गया है टूर्नामेंट का? करणी सेना मुंबई में काम कर रही है, इससे पहले भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई करणी सेना की, वो आज भी निशाय लोगों की सेवा करती है। और एक टूर्नामेंट की रूपरेखा विगत कुछ वर्षों से चल रही है, उसमें उस जमाने में, हमारे जमाने में, राजाओं के आज के जमाने में ऐसी एक प्रतियोगिता कराते थे जिसे सौहार्द बढ़ता हो, जिसे अलग अलग टाइप के लोग आते हो, क्रीड़ा करते हो, खेल करते हो, उससे मेल जोल की भावना बढ़ती हो। इसी भावनाओं को लेकर के हम ये कंपटीशन वाला जो ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है या जो भी खेल क्रीड़ा है वो हम करवाते हैं और सौहार्द की भावना बनाने के लिए करवाते हैं। एक हमारा मजबूत स्तंभ जिसको हम कह सकते हैं किसी भी सेना में किसी भी राजा के साथ अगर उनके सेनापति मजबूत हो, ईमानदार हो, वो सेना विश्व में राज कर सकती है। ऐसा सेनापति है जीवन, जिसने महाराष्ट्र के सभी राजपूतों को जोड़ने का प्रयास किया। ये आनंद सिंह जी ठोके
प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ से क्षत्रिय समाज के सारे लोग हैं, राजस्थान के अलावा भी उत्तर प्रदेश से भी हैं, बाहर बाहर से प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, उन सबको एक साथ ला करके एक जहाजन पे बिठाना, सुखदेव सिंह जी का जो कार्य था उसको उस पर निर्वहन करना, एक अच्छा सेनापति का दायित्व होता है, वो निभा रहे हैं। पाठीमागे मी आता माझ्या शेवटच्या वेगाने केनसिंगजी असतील, रतनसिंगजी असतील, ससनसिंगजी असतील, मेहनतसिंगजी असतील, सगळे जे भामाशा त्यांच्या पाठीमध्ये उभे राहिले त्यांच्यामुळे एवढा चांगला कार्यक्रम होऊ शकला, म्हणतात त्यांचं देखील संपूर्ण राजकीय समाजाच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो। या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात आला, कार्यक्रम खूप उत्कृष्ट, जे खेळाडू या ठिकाणी आले त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रथमतः फक्त राजकीय समाजाच्या खेळाडूंनी राजस्थानच्या नावाने या ठिकाणी टुर्नामेंट करवली, त्याबद्दल काही इतकं मोठं योगदान आहे या लोकांचं। भाविका आम्ही या ठिकाणी भाविकांना त्यांच्या समोर महाराष्ट्रातर्फे महाराष्ट्राची टीम संपूर्ण टीमच्यातर्फे महाराष्ट्राचं श्री राष्ट्रात घेण्याचं काम संपूर्ण भारतापेक्षाही उजवं असेल, संपूर्ण भारतापेक्षाही जास्त लोक या ठिकाणी त्यांनी घेण्याबरोबर असतील आणि आपल्याबरोबर असतील एवढे या ठिकाणी। कर्णी सेना की तरफ से जो टूर्नामेंट किया गया है वो एक खेल की भावना से, तो जीवन सिंह जी जो पहल कदम उठाया वो अच्छी बात है, लेकिन इस बहाने वापस भाभी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला जी का पधारना हुआ और एक नए सिरे से कर्णी सेना का सिरा कोई खत्म नहीं हुआ है, यथावत है, बाकी नए सिरे से वापस एक नए जोश के साथ वापस हम शुरुआत लगातार करते रहेंगे और कर्णी सेना के वापस उसी स्पीड से, उसी प्लेटफॉर्म से सनातन धर्म के लिए जो सुप्रीम सिंह यादव जी के जो विचार थे उनके सोचे हुए थे उस बात को निरंतर प्रयास करने के लिए आज भी यहाँ से वापस श्री गणेश साय ने वो किया है और जो हादसा हुआ उसको हम भूल तो कभी भविष्य भी नहीं सकते, बाकी उससे उभर करके वापस कर्णी सेना को हम आगे। दादा का जो है लक्ष्य का जो है सभी राजपूतों को एक करना, छत्तीस कौम को एक लेके साथ चलना, जो है दादा ने ये भी कहा है हम रहे या ना रहे लेकिन जो है जो श्री राष्ट्रीय और कर्णी सेना है ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अब है, तो अभी जो है दादा नहीं रहे जो है तो कैसा चलेगी, किस तरह से श्री राष्ट्रीय और कर्णी सेना को आगे बढ़ाया जाएगा? देख रहे हैं आप, आज देख रहे हैं इसको आप लाइव देख रहे हो, आप खुद आप इसके पत्रकार बंधु हो, सब आप मीडिया स्थल आप देख रहे हो, इसमें कोई कमी है नहीं और इससे भी तेज गति से बढ़ेगा। ये सर एक सवाल और है हमारा, कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं नहीं कि कुछ जो है राज्यों में जो है राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या एसएमएस रहेगा? देखो अपनी सोचने से कुछ होता नहीं, राजपूत इतना जल्दी कोई टारगेट होने वाला नहीं है और बहुत समय लगेगा। मैं एक बात और कहता हूँ आपको, मैंने आज ही सोशल मीडिया पर देखा था कि कल महिला दिवस था जहाँ राजपूत समाज की महिलाओं की पोशाक के पहन पहन के जो लोग उनका रूप लेना चाहते हैं यानी उनकी नकल करने से काम कभी पार नहीं पड़ने वाला, जो राजपूत कर सकता है वो और करने में बहुत लोगों को समय लगेगा, उसके लिए मुझे लगता है और 200-500 साल और लगेगा और राजपूत एक सबको लेके चल सकता है वो और कोई लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए टारगेट करे कि नहीं करे मैं बैठा बैठा ये सोच रहा हूँ कि पूरा आज मैं आकाश को यहाँ लाऊँ बम्बई को मेरे पास ले हो, तो ये मेरे सोचने से नहीं होता है, वो होगा वही होगा और वो ब्लड इतना जल्दी खत्म होने वाला है, हजारों साल लगेंगे, पीढ़ियाँ कब जाएगी तब जाके राजपूत खत्म होगा, पहले कभी खत्म नहीं होगा।